हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल री स्टाइल टिप्स। मैं हूं रेनी, कैसे हो आप सब। मैंने आज इस वीडियो में शहनाज़ गिल का लुक क्रिएट किया है। शहनाज़ गिल का जो शो आया है मुझसे शादी करोगे, उसका फर्स्ट एपिसोड का जो लुक है वही रिक्रिएट करने की कोशिश किया है। मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अब स्टार्ट करते वीडियो को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप स्टार्ट करूंगी मैं टोनर से। ऑलरेडी मैंने फेस को वॉश कर लिया है, तो मैं एक स्किन केयर से अपने मेकअप को स्टार्ट करूंगी। इस टोनर के ऊपर ऑलरेडी रिव्यू मैंने दे दिया है अपने चैनल में, ये गुड वाइब्स का है टोनर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं ऑल ओवर फेस में इसको स्प्रेड कर रही हूँ ताकि अब्सॉर्ब हो जाए क्विकली। देन मैं यूज़ करूँगी ये गुड वाइब्स का बॉडी लोशन। इसको मैं कभी कभी फेस के लिए यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, फेस के लिए भी बहुत अच्छा लगा है। एकदम चिपचिपा नहीं है, एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं कभी कभी इसको एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ अपने फेस के लिए। तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ ताकि आगे जाके मेरा मेकअप एकदम फ्लेकी ना बने। मैंने लिया है NYBA की कंसीलर, शेड नंबर है 2। तो आज मैं मेकअप स्टार्ट करूंगी आईज से। तो मैंने आई लिड को पहले कंसील किया है, एक ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैं आईब्रोज के लिए लूंगी ये पेंसिल, मिस क्लेयर का पेंसिल है। आईब्रोज को फिल करूंगी, जहाँ जहाँ गैप्स है पहले मैं वो फिल करूंगी, उसके बाद थोड़ा सा इसको थिक बनाऊंगी। देन पेंसिल के साथ जो ब्रश आता है उससे मैं अपने आईब्रोज को मैं कलर को ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं आईब्रोज को क्लीन करूँगी एक ब्रश में। मैंने लिया है कंसीलर को, इसके एजेस को मैं धीरे धीरे करके ऐसे क्लीन करती जाऊँगी। तो क्या होगा, मेरा आईब्रोज जो है वो बहुत शार्प दिखेंगे और एकदम क्लीन दिखेंगे। ओके, तो अब मैं लूँगी ये ट्रांजिशन शेड आई लिड्स के लिए। तो ये पैलेट है स्विस ब्यूटी का, विंग की पैलेट, 36 विंग की पैलेट, 2 नंबर है शेड। इसके ऊपर भी मैंने रिव्यू दिया है, मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हो। तो इसको मैं अपने क्रीज एरिया में लगाऊंगी और एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं इसको ब्लेंड करती जाऊंगी। बहुत अच्छा पैलेट है, पिगमेंटेशन इसका देखिए बहुत बढ़िया है। तो इसको धीरे धीरे करके मैं ब्लेंड करती जाऊंगी। अब मैं गोल्डन शेड लूंगी उसी पैलेट से, इसको मैं आई लिड में लगाऊंगी, पूरे के पूरे आई लिड में लगाऊंगी, ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। आप फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो, दोनों में ही अच्छा पिगमेंटेशन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिंगर से यूज़ कर सकते हैं इसको। देन मैं लूँगी ये थोड़ा सा डार्कर शेड में गोल्डन शेड, तो इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से एकदम मिडिल में लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं ब्राउन शेड को लूँगी एक छोटा सा पेंसिल के साथ, तो इसको मैं बस अपने ऊपर के लिड के एकदम लैश लाइन के एकदम करीब में थोड़ा सा लगाऊंगी। अब वही ब्राउन शेड को मैं अपने लोअर लैश लाइन में भी लगाऊंगी थोड़ा सा। देन मैं गोल्डन शेड को लेके उसके ऊपर मैं लगाऊंगी अपने लैश लाइन में, वो ब्राउन शेड के ऊपर मैं ये गोल्डन शेड को लगा लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, क्लीन ब्रश के हेल्प से पूरे अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। फॉल आउट बहुत होते हैं तो इसलिए मैंने फेस को पहले नहीं किया है, पहले आईज़ को कम्प्लीट कर लिया है। देन मैं कंसीलर को अप्लाई करूँगी अपने अंडर आई में, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको अप्लाई करें क्योंकि ऑलरेडी हमने आईज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो इसको जहाँ जहाँ मुझको ज़रूरत महसूस हुई वहाँ पर मैं लगाऊंगी।
देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं, तो आइज़ के तरफ थोड़ा ध्यान से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारा आइज़ बन चुका है। तो मैं धीरे धीरे करके इसको ब्लेंड करते हुए ऑल ओवर फेस को ऑलमोस्ट कवर कर रही हूँ मैं। तो ब्यूटी ब्लेंडर ऑलवेज डैम्प होना चाहिए, कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं पूरे फेस को ऐसे ही कवर कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। ब्यूटी ब्लेंडर में डायरेक्टली मैंने ले लिया है फाउंडेशन को, फिट वी का फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं ऑल ओवर फेस में। अच्छे तरीके से मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करती जाऊँगी। मैंने डॉट डॉट करके आज नहीं लगाया है, डायरेक्ट अपने ब्यूटी ब्लेंडर में लेके मैं अपने ऑल ओवर फेस को कवर कर रही हूँ। देन मैं इसको सेट करूँगी थोड़ा सा लूज पाउडर से। मैंने यहाँ पर लैक्मे का रोज़ पाउडर ले लिया है, इसको मैं सेट करूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर से ही लिया है मैंने। अब ये डार्कर शेड लूँगी कॉन्टोर के लिए। फिंगर के हेल्प से पहले मैं इसको लगा लूँगी अपने कॉन्टोर वाले एरिया में, उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी। तो धीरे धीरे करके आप कलर को डेवलप कर सकते हो, एक बार में ना लगा के धीरे धीरे करके इसको ब्लेंड करते हुए जितना आपको नीड है उसके हिसाब से आप बिल्डअप कर सकते हो। ब्लश के लिए लिया है मैंने ब्लू हेवन का ब्लश, बहुत प्रीटी ब्लश है ये, पीच टोन में है। इसको मैं एप्पल ऑफ माय चीक में लगा रही हूँ अच्छे से। नेक्स्ट मैं नोज को करूँगी थोड़ा सा कॉन्टोर, वही शेड लेके पहले मैं फिंगर के हेल्प से इसको लगाऊंगी, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे, एकदम ये ब्लेंड हो जाए। अब मैं हाइलाइटर के लिए लूँगी अपना कंसीलर को, एक शेड लाइटर शेड लेनी होती है जब भी आप कंसीलर को एज ए हाइलाइटर यूज़ करो तब। इसको मैं अपने फिंगर के हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी अपने हाईएस्ट पॉइंट्स में। अब मैं सिवाना का पैलेट से ये दो हाइलाइटर शेड को मिक्स करके लगाऊंगी। नोज के एरिया में मैं फिंगर से लगाना ही पसंद करती हूँ, तो मैं फिंगर से लगा रही हूँ, देन चिक्स में और बाकी एरिया में मैं ब्रश के हेल्प से लगाऊंगी। तो बीच में मैं मस्कारा को भूल गई थी, तो ये है वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा। तो मैं आईज़ को कंप्लीट कर लेती हूँ, टू कोट्स करके लगा रही हूँ मैं ऊपर के और नीचे के लैसेस में। लास्ट में आती है लिपस्टिक, तो ये NYBA की लिप क्रेयॉन है, थोड़ा सा ब्राउन शेड में है, तो लिपस्टिक मैंने लगा लिया है यहाँ पर। तो ये है आज का फाइनल लुक, मैंने सामने से फिक्स को निकाला है और हेयर को मिडिल पार्ट कर लिया है। तो कंप्लीट होता है हमारा ये लुक आज का, सैनाज गिल का लुक मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश किया है। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को थम्स अप कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप रिक्रिएट करते हो तो प्लीज़ मुझे टैग करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। मैं आगे भी बहुत सारा वीडियोस ऐसे ले आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो आज का वीडियो इतना ही, तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, बाय।